बल्लभगढ़ में निकिता मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर बरपा हंगामा, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प। पुलिस ने उपद्रवी प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर किया पथराव। भीड़ की तरफ से पुलिस ने जब इनको समझाने की कोशिश की और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आप देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी यहां पर की जा रही है, पत्थर फेंके। निकिता के परिजनों को इंसाफ दिलाने का हवाला देकर बल्लभगढ़ में बुलाई गई थी महापंचायत, इसी दौरान हुआ हंगामा। महापंचायत के दौरान अचानक से बढ़ गई भीड़, प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर शुरू कर दी तोड़फोड़। सर्व समाज ने बुलाई थी महापंचायत, निकिता की याद में 8 नवंबर को वीरांगना सभा के आयोजन का ऐलान। फास्टैग कोर्ट में केस चलाने, दोषियों को फांसी देने की मांग। फास्टैग कोर्ट में फैसला मुकदमा जाए और इन जो अपराधी हैं इनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो। हरियाणा में सर्व समाज की जुमा पर चढ़े यूपी के मुख्यमंत्री योगी, कहा हरियाणा में हो योगी जैसा मुख्यमंत्री, दोषियों को फौरन दे दंड। हरियाणा के बल्लभगढ़ में तौसीफ नाम के शख्स ने अपहरण की कोशिश के दौरान निकिता को मार दी थी गोली, सर में मारी थी गोली, कर दी थी हत्या। बीकॉम की छात्रा थी निकिता, यूनिवर्सिटी के पास हुई वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। पुलिस ने तौसीफ और उसके दोस्त और एक अन्य समेत 3 को किया है गिरफ्तार। योगी सरकार के लव जिहाद पर शिकंजा कसने की तैयारी, देवरिया की रैली में योगी ने किया ऐलान। लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है, बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी। धर्म परिवर्तन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी का योगी ने किया जिक्र, बोले जल्द लाएंगे हम कानून। कल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में एक फैसला दिया, धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। लव जिहाद पर योगी के बयान का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया समर्थन, बोले ऐसे लोगों को बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी लव जिहाद पर कानून वाले बयान पर बोले, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हर राज्य के मुख्यमंत्री को समस्या के हिसाब से कानून बनाने का अधिकार। किसी भी तरीके से देखने की जरूरत नहीं है, चीफ मिनिस्टर के सामने जो समस्याएं मैं तो नहीं जानता, तो चीफ मिनिस्टर को आपको ये अधिकार तो देना चाहिए कि वो अपने। मुस्लिम धर्म गुरुओं के अनुसार इस्लाम दबाव के साथ धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता। कोई लालच या किसी मकसद के तहत अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, कहा मुख्यमंत्री योगी ने जो भी कहा वो सही, हरियाणा सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर कर रही है विचार। बिहार चुनाव में 94 सीट पर दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन, प्रधानमंत्री मोदी ने की 4 रैलियां, छपरा से किया शंखनाद। भीड़ देखकर खुश दिखे पीएम मोदी, बोले सुबह 10 बजे की रैली में कभी ऐसी भीड़ नहीं देखी। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया करारा वार, बोले पहले चरण के मतदान से बौखला गया विपक्ष, अब हमें गाली देने पर उतारे। पीएम मोदी ने गांव की एक बुजुर्ग महिला के वायरल वीडियो का किया जिक्र, कहा बुजुर्ग महिला ने सवाल करने वाले को कराया चुप। मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन। पीएम मोदी ने राहुल तेजस्वी पर किया वार, कहा एक तरफ डबल इंजन की सरकार और दूसरी तरफ डबल युवराज। पीएम मोदी ने यूपी में अखिलेश यादव राहुल की जोड़ी का किया जिक्र, कहा यूपी की जनता ने ठुकराया तो अब युवराज की जंगलराज के युवराज से मिलाया हाथ। वहां का एक युवराज अब जंगलराज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। मोदी ने लालू के शासन में जंगलराज अपहरण उद्योग का लगाया आरोप, बोले याद होगा वो दौर जब बच्चे मां को लकड़ सुंघवा का जिक्र कर घर से बाहर जाने से डराते थे। पीएम मोदी ने छठ पूजा तक मुफ्त राशन योजना जारी रखने का किया जिक्र, नीतीश के सुशासन को सराहा। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश के साथ किया आज दूसरी रैली, परिवारवाद पर किया वार,
क्या सवाल, क्या मोदी नीतीश का कोई भाई भतीजा राज्यसभा में पहुंचा? पीएम मोदी ने कहा एनडीए का मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, विपक्ष का लक्ष्य परिवार का विकास। मोदी ने किसानों के लिए 1,00,000 करोड़ के बजट का किया जिक्र, बोले विपक्षी दल सिर्फ चुनाव के समय जपते हैं गरीब की माला। जब चुनाव आते हैं तो माला जपना शुरू कर देते हैं, गरीब 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 गरीब। पीएम मोदी ने किया सवाल जंगलराज के राजकुमार, बिहार में विकास को हवा दे सकते हैं क्या? जो वामपंथी नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं वो विकास का माहौल क्या बना पाएंगे? समस्तीपुर में बोले पीएम मोदी, बिहार को बीमार बनाने वालों का करो तिरस्कार, उन्हें कभी मत सौंपना सत्ता। मोदी ने पहले चरण के चुनाव में बाजी एनडीए के हाथ में आने का किया दावा, बोले विपक्ष में इस बात की बौखलाहट। मोतिहारी बगहा में भी मोदी की रैली, बोले जंगलराज और लालटेन जलाने की कर रहे हैं जुगत, मुझे इस बात की चिंता, हर घर में कैसे चमके एलईडी की दुधिया रोशनी। गोपालगंज में रैली में बोले राजनाथ सिंह, नीतीश ने क्या किया क्या छूटा, इस पर हो सकती है बहस, लेकिन नीतीश का दामन बेदाग, इसलिए बीजेपी ने फिर से उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया। राजनाथ बोले बीजेपी जो कहती है वो करती, बहुमत मिलते ही हटाई हमने धारा 370, ढाई साल में राम मंदिर तैयार करने का किया दावा। दूसरे दौर में 94 सीटों पर 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। दूसरे दौर में आरजेडी 56, बीजेपी 46, जेडीयू के 43 उम्मीदवार मैदान में। पीएम मोदी से तेजस्वी यादव ने किए 11 सवाल, रोजगार का मुद्दा उठाते हुए पूछा चपरासी का फॉर्म क्यों भर रहे हैं इंजीनियर। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर लगाया आरोप, 50 साल में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की बनाई योजना, नीतीश की उम्र को लेकर कसा तंज। बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने जारी किया है जो कि सरकारी कर्मचारियों को 50 साल में रिटायरमेंट की बात कही है, खुद 70 से प्लस हो गए। बीजेपी नेता आरके सिंह का आरोप, अपराधियों का साथ देने में लालू तेजस्वी एक जैसे। तेजस्वी यादव पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का वार, कहा वो कैबिनेट का उच्चारण भी ठीक से नहीं कर सकते, नीतीश शिक्षित इंजीनियर है। आरजेडी पर नड्डा ने उठाया सवाल, कहा उनका चरित्र जंगल राज का, कांग्रेस को बताया पाकिस्तान का प्रवक्ता। तेजस्वी ने चुनाव सभा करने का अपने पिता लालू का तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 19 जनसभाओं को किया संबोधित। तेजस्वी ने किया ट्वीट, महागठबंधन दूसरे चरण में एनडीए का सफाया करने जा रहा है। तेजस्वी ने एक बिहारी सब पर भारी का कार्टून किया पोस्ट। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का बड़ा बयान, पटना में कहा बीजेपी को ज्यादा सीटें आई तभी नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार जी हमारे नेता होंगे, अगर हमारी सीट ज्यादा भी आती है तब भी नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे। नड्डा का दावा, एनडीए गठबंधन को आसानी से मिलेगा 2/3 बहुमत, सीट कम होने का सवाल ही नहीं। नड्डा ने उठाया सवाल, कहा उनका चरित्र जंगल राज का, कांग्रेस को बताया पाकिस्तान का प्रवक्ता। मंदसौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपचुनाव के लिए किया प्रचार, रोड शो भी किया। शिवराज ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर किया वार, बहन बेटियों के अपमान का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश की इमरती देवी पर कमलनाथ के विवादित बयान का मुद्दा, कहा अंधकार में माफी नहीं मांग रहे कमलनाथ। चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कमलनाथ, आयोग ने विवादित बयान के चलते पूर्व सीएम को पार्टी के स्टार प्रचारक लिस्ट से हटा दिया था। चुनाव आयोग ने विवादित बयान के आरोप को लेकर इमरती देवी पर भी कसा शिकंजा, एक दिन के चुनाव प्रचार पर लगाई पाबंदी। धौलपुर में गुर्जर आरक्षण पर आंदोलन के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, 6 मार्ग पर रोडवेज सेवा बंद, हाईवे पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। मुंगेर गोलीकांड में पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज, पीड़ितों ने की शिकायत। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में छात्रा की हत्या, 17 साल की लड़की को चाकू मार दिया गया, पकड़ा गया आरोपी। पाली में पुलिस से बचकर भागने के चक्कर में पलटी स्कॉर्पियो, 15 लाख का चूरा बरामद, तस्कर फरार। पालघर पुलिस ने जालसाज को किया गिरफ्तार, 1 किलो नकली सोने का किया था इसने सौदा। झज्जर में कुत्ते को लेकर विवाद में चली गोली, 19 साल के युवक की मौत। यूपी के गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर, छावनी में तब्दील पूरा इलाका। 2004 में बने मुख्तार अंसारी के गजल होटल के 5 जेसीबी मशीनों से किया गया ध्वस्त, बताया गया अवैध निर्माण। कानपुर में हत्या के केस में दारोगा गिरफ्तार, जांच के लिए भेजी गई पिस्टल, आरोपी कांस्टेबल लाइन हाजिर।
बारामती में जजरे भाई की हरकतों से परेशान होकर एक नाबालिग लड़की ने की आत्महत्या। आरोपी युवक होमगार्ड की करता है नौकरी। कोलकाता के कोस्तपुर में एक शख्स ने खुद को लगाई आग। कारण साफ नहीं।